अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बड़ी अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। शर्जील खान की जो फॉर्म है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे लाजवाब शर्जील नहीं खेल सकता। बहुत ही तबाहकुन इनिंग्स शर्जील खान ने एक बार फिर खेली है। इससे पहले भी शर्जील की बेहतरीन इनिंग्स थी, और इसके अलावा सरफराज अहमद को जब मौका मिला तो उसने मौके का जो फायदा उठाया लाजवाब किस्म का उठाया, एंकर का रोल उसने अदा किया, और मिडल ऑर्डर में सरफराज जैसा प्लेयर जो है वो कामयाब है, और सरफराज ने वो दिखाया भी है। वो तो एक अलग मैटर है कि सरफराज की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही, और सब कुछ आपके सामने है। मोहम्मद रिजवान वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर द पाकिस्तान टीम। और इसके अलावा अगर शर्जील को यहाँ पर अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये शर्जील खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पीसीबी को अब सोचना चाहिए शर्जील के बारे में। एक 89 की बेहतरीन इनिंग्स आई, इसके अलावा फिर एक 81 की आई, इसके अलावा एक 34 की इनिंग्स आई शर्जील की। तो इतनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है शर्जील खान, और पावर हिटिंग को इतना इम्प्रूव किया है। मैंने शर्जील खान को करीब से देखा है, शर्जील खान की जो पावर हिटिंग इम्प्रूव हुई है केपीएल में, लाजवाब किस्म की पावर हिटिंग शर्जील खान ने इम्प्रूव किया है। इसके अलावा अहमद शहजाद वो 19-20 में रहते हैं, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस, एक में जो है वो फिर 50-50 पे आ जाते हैं। लेकिन अब शहजाद के आगे आने वाले मैचेस में देखना होगा शहजाद की किस तरह की परफॉर्मेंस जो है रहती है। लेकिन शर्जील खान ने अपने आप को एक बार फिर लॉन्च कर दिया है, मनवा दिया शर्जील खान ने कि शर्जील खान क्या कर सकता है। और इसके अलावा उमर अकमल जो है डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उमर अकमल ने एक बार फिर जो उनको मौका मिला, बल्कि मौके मिल रहे हैं केपीएल के अंदर, एक ही मैच जो है वो वॉश आउट हुआ था बारिश की वजह से, नहीं तो उमर अकमल को मौके मिले लेकिन फायदा नहीं उठा पाए हैं उमर अकमल। पर शर्जील खान जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की गोल्डन फॉर्म में है शर्जील खान, और शर्जील खान को इस तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर आपको अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब।